जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल नू यू जान मेरी जान कैसे हो तुम सब? और आज के पहले हाय का अवार्ड जाता है हीना अमरावती को। तो हाय हीना, तुम्हें सबसे फर्स्ट हाय का मेरा हाय। हाय हीना अमरावती, हाय सागर कुमार, हाय देवांशी सांगवी, हाय एवरीवन जो अभी लाइव चैट पर अभी ऑनलाइन है, लाइव है। और आज ऐसी इच्छा कर गई, मेरी फील आ गई, तो मैंने ऐसी सोचा गाना सुना देता हूँ तुमको। बड़ी इच्छा कर थी गाना गाने की, तो इसलिए गा दिया तुम सबके लिए। और कैसे हो तुम सब बताओ मुझे। मतलब आज तो संडे है जी, संडे अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया ही होगा तुम सबने। तो मुझे बताओ आज क्या क्या किया संडे को, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। अपने दिल की बात शेयर करनी है सबके साथ में, तो बताओ जी कैसा लग रहा है, कैसे हो तुम सब, और सॉन्ग कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा हो, मुझे तो बड़ा मजा आया तुम सबके लिए गाने में भाई, बहुत मजा आया। आई 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 ये क्या होता है, हो जाता है फेसबुक जी को, ये फेसबुक जी एकदम से कमेंट लूट करना बंद कर देते हैं मुझे। क्या क्या प्रॉब्लम है, फेसबुक सर ये आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पता है अभी हो क्या रहा है, अभी लास्ट लाइव चैट में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी शायद फेसबुक एप्लीकेशन में ऐसे कुछ। क्योंकि अनुष्का सिदाना कह रही है हेलो, लवली जैन कह रही है हाय, हाय खुशबू लोहान, हाय ध्रुव पारेख। एंड हुआ क्या है कि अराउंड 50 कमेंट्स लोड हुए अभी मेरे फोन में, और हेमंत अग्रवाल का लास्ट कमेंट है ग्रेट, और हेमंत अग्रवाल का ही ये कमेंट जो है ये करीबन 2-3 मिनट से यही कमेंट दिखा रहा है। उसके अलावा बाकी ये जो भी इसके बाद के कमेंट्स आए वो शो ही नहीं कर रहा है फेसबुक। तो आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, क्या पंगा क्या यार, ऐसा ना करा करो फेसबुक जी। मैं बहुत दिल की इच्छा करती यार मेरी कि संडे को एक दिन अपन सब एक दूसरे से बात करें, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूं मैं, तुम्हें रिप्लाई करूं, तुम मेरे मुझे बातें कहो, तुम कमेंट करो, तुम रिप्लाई करो, पर ये कुछ पंगा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज ना तुम सबको मैं गाने सुनाऊंगा। तो तुम्हें जो भी सॉन्ग सुनना है कमेंट करो। आई होप कमेंट्स लोड हो जाए जल्दी, ये क्यों नहीं हो रहा है फेसबुक की क्या प्रॉब्लम पता नहीं, लेकिन आई होप तुम्हारे कमेंट्स लोड हो जाए। जब तक मुझे तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिखते तब तक मैं जो ऑलरेडी कमेंट्स आए हुए हैं, जैसे सलमान सईद ने कहा मोहित मेरे भाई प्लीज सिंग कपकेक सॉन्ग, तो मैं तुम सब के लिए बड़े ही प्यार से बड़े ही आराम से यहाँ पर लाइव सॉन्ग्स गाता रहूंगा।
तुम बोलो तो रेशमी सी बातें, कुछ तुम बोलो तो आंखें खोलो तो तेरी सारी यादें, आंखें खोलो तो रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू मखमली सी रेशमी सी आवाज को जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब को कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है केले कुछ भी तू मेरा कपकेक है। गलती मैंने बताया क्या कर दी। अब देखो तुम सबसे क्या छुपाना, क्या ये कहते हैं कि परफॉर्मर अगर कोई गलती कर दे तो उसे बताना नहीं चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए, पर यार देखो भाई मैं कोई परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर तुमसे बातें करने आया हूँ क्योंकि मुझे पसंद है तुम सबसे बातें करना, तुम भी ये बात जानते हो। हर संडे अपन कुछ नहीं करते, अपन कुछ भी नहीं, मतलब कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, अपन को बस बातें करनी, इसलिए अपन एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने आते हैं। तो चलो मैं ही तुम्हें बता दूं कि आज मैंने क्या क्या किया, तो तुम्हें कम से कम ये तो पता लग जाएगी तुम्हारे मोहित की तरफ से क्या क्या बातें हैं जो मोहित तुम्हें बताना चाहता है। तो आज संडे था और आज किस्मत से जो अपना इश्क अंतक का शो है उसकी जो रेगुलर डेली शूट होती है, 5 महीने से तुम्हारा मोहित घर नहीं गया अपने जयपुर, कोई दिक्कत नहीं जी, तो अपन मुंबई में ही है, अपन यहाँ पर शूट कर रहे हैं, डेली शूट कर रहे हैं और डेली शूट कर रहे हैं। पर किस्मत की बात है कि आज के दिन ना हॉलीडे मिल गया था, तो आज मैं मस्त सोया करीबन 7:30 में उठा आराम से, मैंने हर बार की तरह हर दिन की तरह मेडिटेशन की है। और उसके बाद में सबसे स्पेशल चीज़ ही कुछ ये हुई कि आज मुझे ना बहुत ज़्यादा फील आई कि मैं एक नया सॉन्ग क्रिएट करूँ, तो मैं चला गया यहाँ पे। अब मुंबई के जो जितने भी व्यूअर्स हैं, मुंबई के जितने भी लोग हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, वो सब देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, वो कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से कि मुंबई में ना, अच्छा मैं जो लोग मुंबई के नहीं और कभी मुंबई आए उनके लिए भी विशेष सूचना है जी। तो विशेष सूचना ये है कि मुंबई में एक जगह है पृथ्वी थिएटर, और पृथ्वी थिएटर ऐसी फील वाली जगह है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब वहां का फील ही अलग है। मतलब वहां पर ऐसा कहा जाता है कि जो भी जाता है ना, जो भी लिखने वाला, जो भी आर्टिस्ट जाता है, वो कुछ क्रिएट कर ही आता है वापस। तो मैं, मुझे जब भी फील आती है तो मैं पृथ्वी थिएटर चला जाता हूँ कि कुछ लिखने की फील आती हो या कुछ भी गाना बनाने की फील आती हो, कुछ पोएम लिखनी है, कोई भी गाना लिखना है, कंपोज करना है, कई बार तो मैं कुछ बार पृथ्वी थिएटर चला जाता हूँ और वहां पर मैंने अपनी लाइफ के बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लिखे हैं। तो पृथ्वी थिएटर एक ऐसी बहुत फील वाली जगह है, एकदम फील भरी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है पृथ्वी थिएटर। तो जो लोग भी मुंबई के नहीं है और जो लोग भी लाइव चैट को देख रहे हैं, वो प्लीज और प्लीज मुंबई जब भी आए तो पृथ्वी थिएटर जरूर विजिट करना। मैं उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, नहीं यार, मेरे को तो बस पसंद है जगह, इसलिए मैं जाता हूँ और इसलिए मैं तुमको सबको बता रहा हूँ कि मैंने आज वहां पर पृथ्वी थिएटर गया, वहां पर सॉन्ग बनाने की कोशिश करी, एक ऐसा सॉन्ग जो तुम सबको बहुत पसंद आएगा। जल्दी उस सॉन्ग पर वर्क करना स्टार्ट करूंगा, भी बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग बनाया है। और इसी दौरान तुम कहीं जाना मत, सॉन्ग की बात ही चल रही है तो एक और सॉन्ग तुम सबके नाम, और ये गया फोन टिकाने में, इसकी जगह पे क्लक टिक गया फोन, और लो जी शुरू हो गया मैं। कहीं मत जाइएगा, तुम्हारा मोहित तुम्हारे लिए यहीं लाइव सॉन्ग्स गाएगा रे।
पता ही नहीं कौन सा सॉन्ग गाऊं। अरे यार बस फील आ रही है कुछ गाऊं, ये नहीं पता कि क्या गाऊं। कंफ्यूज्ड आदमी हूं मैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड आदमी हूं लाइफ में। पर कंफ्यूज रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो ही तो आप आंसर्स को फाइंड करते हो, उनका सलूशन ढूंढते हो। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको सब पता है, जो कि बहुत ही गलत बात है, हमको सब किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है तो आप रॉन्ग हैं जी, आपको सब नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसी हो जाती है, बड़ी फील वाली चीज़ें जैसे मैं फील करता हूँ। तो अरे यार मैं कभी कभी ना बाबा मोहित बन जाता हूँ, मेरे को बहुत अंदर से लगता है कि हाँ कभी कभी ना मोहित मोहित नहीं रहता, कभी कभी मोहित मोहित बाबा बन जाता है, बाबा मोहित हो जाता है। तो इसी बाबा मोहित के प्रवचन बाद में और चलेंगे, अगले संडे को हम फिर मिलेंगे, ये होप करते हुए कि फेसबुक बाबा थोड़ा सा अपना मतलब क्या नाम से थोड़ी कृपा बरसाएं और ये कमेंट वाला ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट कराएं। तो फेसबुक सर कोई दिक्कत नहीं, आज मैंने लाइव चैट करी और आज मुझे जो जो भी कमेंट्स मिले आई होप मैं उन सबको रिप्लाई कर पाऊँ। तो क्या क्या कमेंट्स मिले, जो भी दिखे वो कमेंट्स वो सारा का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मुझे दिख रहे हैं अभी, वो है मेगा शेरगिल का हाय, ऋषि पटेल का हाय, अनुष्का सिडाना का हलोज, लवली जैन का हाय, हाय खुशबू लोहान, हाय ध्रुव पारेख, हाय शुभम सराफ, हाय ईशो अग्रवाल, हाय रुतिका चौहान, हाय अंशु जैन, हाय जसलीन कौर, हाय वेंकटेश तांबरे, हाय मानव बाफना, हेलो अनुभव तिवारी, हाय ऋषि पटेल, हाय अंशु कटारिया। अब देखो यार जिन जिन के कमेंट्स हैं अभी भी विजिबल उनको तो कम से कम रिप्लाई करूं ना, अगर तुम सबके भी दिखते कमेंट्स तो मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता। तो हाय अंजलि गणेश चिपलुंकर, हाय बटर स्कॉच, बहुत ही मस्त नाम है तुम्हारा बटर स्कॉच, हाय आयुष बजाज, हाय सौरभ कुणाल, हाय अर्पिता श्रीवास्तव, हाय अंकित बोरा, हाय मनमीत कौर, हाय हिमांशु गोस्वामी, हाय अक्षिती चौरे, हाय तान्या प्रजापति, रितेश सावड़िया, बोल दो ना जरा सॉन्ग उनको बोल दो ना जरा सॉन्ग सुनाए। अरे तो जाते जाते मैं एक सॉन्ग सुनाई देता हूँ ना, मेरी बड़ी इच्छा करी आज गाने की, तो मैं तुम्हें बोल दो ना जरा सुना दूं कुछ लाइनें, मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग। तो कुछ लाइंस मैं तुमको इस सॉन्ग की सुनाकर ही जाऊंगा आज तो तुम्हें परेशान कर ही जाऊंगा। कोई मेरे को तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम्हारे कमेंट्स लोड नहीं हो पा रहे हैं, मुझे ज्यादा परेशानी हो रही है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं तो हर बार की तरह बात कर ही पा रहा हूँ, मैं तो हर बार की तरह बड़ा बला तो कर ही पा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें गाने सुना ही पा रहा हूँ, बट तुम्हारे कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है इस बार की लाइव चैट में, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम ये भी सॉल्व कर लेंगे, फेसबुक जी से रिक्वेस्ट कर लेंगे, पर्सनल रिक्वेस्ट कर लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं यार दोस्त हैं ऐसा तो नहीं है, पर बात कर लेंगे, नो टेंशन। तब तक के लिए मैं आपको सुनाऊंगा बोल दो ना जरा सॉन्ग की कुछ लाइन, क्योंकि मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं बार बार लाइन में कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो जो सॉन्ग के सिंगर है माल मलिक, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सॉन्ग गाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज करा है, एंड आई लव दिस सॉन्ग एंड बहुत पसंद है सॉन्ग, और मुझे बहुत पसंद है तुम सबसे बातें करना, जो आज मैं इस सुपर संडे की लाइव चैट में नहीं कर पाऊँ। तो उसके लिए सॉरी मेरी तरफ से, सॉरी फेसबुक की तरफ से, सॉरी, और जल्दी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सुपर संडे की लाइव चैट में। तो मिस मत करना, तुम्हारा मोहित तुम्हारे लिए जरूर आएगा, तुम्हारा मोहित आएगा, बस तुमको भी टाइम से आना, सुपर संडे की लाइव चैट अटेंड करनी है, चाहे किसी भी टाइम हो। देखो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं तो आ जाता हूँ सुपर संडे की लाइव चैट करने, अब तुम्हें टाइम निकालना है, तुम्हें आना है मुझसे मिलने के लिए हर संडे को। ओके तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी संडे, अब जल्दी सो जाओ, कल मंडे है, खूब सारा काम करना है तुम्हें और मुझे, समझे, चलो बाय बाय, टेक केयर।